हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। सर, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारा ये जो हमारा ये ट्रेड ऑफ इंडिया टॉपिक है, इसका हम लोग दूसरा वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इंडियाज़ इंटरनल ट्रेड के बारे में, इसके फीचर्स को समझेंगे बेसिकली, जैसे कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आई होप तुमने लास्ट वीडियो को देखा होगा, उसमें मैंने थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करवाया था और साथ ही साथ कुछ बेसिक जानकारी इंटरनल ट्रेड के बारे में तुम्हें बताया था। तो स्टार्ट करते हैं इंडियाज़ इंटरनल ट्रेड के बारे में। एक एक पॉइंट को मैं रीड करूंगा और तुम्हें मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसे समझना इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ इंटरनल ट्रेड इज़ मच लार्जर देन इट्स फॉरेन ट्रेड ड्यू टू इट्स वास्टनेस, वेरीड क्लाइमेट एंड डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे भारत का जो इंटरनल ट्रेड है, वो हमारे फॉरेन ट्रेड से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। जो क्लाइमेट है वो बहुत ही डिफरेंट है, वेरी है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक रिलायबल स्टैटिस्टिक्स नहीं अवेलेबल है, जिससे कि हम लोग एक एग्जैक्ट वॉल्यूम को समझ पाए, एक एग्जैक्ट डेटा को देख पाए। जैसे कि बैंक क्लियरेंस और रेलवे स्टैटिस्टिक्स जनरली हमारे इंटरनल ट्रेड को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमें जो हमारे बैंक हैं और रेलवे स्टैटिस्टिक्स हैं, ये डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि हमें ये एक्यूरेट डेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स अगर देखा जाए तो जो भारत का ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है भारत में, लेकिन हमारे पास कोई एक रिलायबल सोर्स नहीं है जिससे कि हम समझ पाए कि हमारे भारत में कितना और कैसे ट्रेड हो रहा है। अगर इंडिया के इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो इंडिया का इंटरनल ट्रेड जो था वो बहुत ही ज़्यादा था एक्सटर्नल ट्रेड के हिसाब से। जो सब कमेटी थी नेशनल प्लानिंग कमेटी की, उसने जहाँ तक इसे एस्टिमेट करा था कि अराउंड 7000 करोड़ 1940 में थी, वहीं और एक्सटर्नल ट्रेड उस समय पर 500 करोड़ हुआ करती थी। इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो हमारा जो इंडिया है वो फोकस हो गया किस चीज़ को डेवलप करने में, ट्रांसपोर्ट को डेवलप में, कम्युनिकेशन को डेवलप करने में, बैंकिंग सपोर्ट को डेवलप करने में। इससे कहीं ना कहीं और हमारे जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होने लगे इंडियन रेलवेज़ के थ्रू, हमारा जो रिवेन्यू है वो बढ़ने लगा। 1951 में अगर देखोगे, 1950 या 51 से जो इंडिया रेलवे है उसने 732 लाख टन जो गुड्स के हैं वो क्या करे, कैरी करे, और 139 करोड़ अर्न करा। वहीं 2010-11 की अगर बात की जाए तो ये अमाउंट बढ़ के 9691 लाख टन्स पे पहुंच गए, और जो इंडिया की रिवेन्यू हो गई वो 67761 करोड़ तक पहुंच गई। तो ड्रास्टिक चेंज आया इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने फोकस करा अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने में, कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने में। जो हमारी जो नेशनल हाईवे की लेंथ थी वो बढ़कर 20,000 किलोमीटर से बढ़कर 82,000 किलोमीटर हो गई 2010-11 में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंच पाए अदर नेशंस में। अब अगर देखो, जस्ट हिस्ट्री मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूँ तो इंटरनल ट्रेड जो है इंडिया का वो विद इन द बाउंड्रीज होता है, ये चीज़ तुम्हें पता है। इन दिस फॉर्म ऑफ अ ट्रेड गुड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू रेलवेज एंड रोडवेज। इन दिस फॉर्म ऑफ अ ट्रेड पेमेंट इज मेड ओनली रिसीव्ड इन लोकल करेंसीज। फीचर्स बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुद्रा में होगी यहाँ पे एक्सचेंज। इंटरनल ट्रेड जो वाइड चॉइस हमें प्रोवाइड करता है, हमारे पास जो गुड्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द आर डाइवर्स कल्चर और डाइवर्स स्टेट्स, क्योंकि हर स्टेट से सामान हमारे पास पहुँच पाता है। इन दिस टाइप ऑफ अ ट्रेड ऑफ पेमेंट, ये कैश में होता है, चेक्स में होता है, ड्राफ्ट में होता है। इन दिस फॉर्म ऑफ अ ट्रेड जनरली लाइसेंस नहीं जरूरत होती है कि आप लाइसेंस ऑब्टेन करो, और इसमें लोकल रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो हमें करना पड़ता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, दिक्कत भी आती है इंडिया के इंटरनल ट्रेड में। जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है, आप इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाते हो अपने लोकल व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लिमिटेड हैं। आप लैंड का लिमिटेड यूज़ करते हो, आप ट्रेड पे लिमिटेड फोकस कर पाते हो, और यहाँ पे फेमिन एंड प्रॉवर्टी जैसे भी सिचुएशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। अब देखो, कोस्टल ट्रेड एंड ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले यहाँ पे समझना है व्हाट इज़ कोस्टल ट्रेड। कोस्टल ट्रेड क्या होता है? जब आप ट्रेड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ रीजन्स एंड पोर्ट्स, आप पोर्ट्स का, सी कोस्ट का इस्तेमाल करके आप सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हो। अब सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में कोस्टल एरिया है? द आंसर इज नो, बहुत ही कम है। तो दिस कोस्टल ट्रेड इन इंडिया रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द कोस्टल रीजन्स, कोस्टल रीजन्स में होंगे एंड पोर्ट्स के बीच में होंगे। द इंडियन कोस्ट लाइन इज वास्ट एंड इट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द गुड्स सच एज फिश,
सॉल्ट, कोकोनट एंड अदर मैरीटाइम प्रोडक्ट्स। कोस्टल ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के इकोनॉमीज में एंड इट कंटिन्यूज टू बी एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज ट्रेड टूडे। आज भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। कोस्टल ट्रेड का एक बहुत ही पुराना हिस्ट्री है भारत में, अगर चाहो तो इसे तुम हिस्ट्री देख सकते हो। अभी कोस्टल ट्रेड किस किस स्टेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, ये जो है मेजर हब्स है भारत में जहाँ पे गुड्स एज वेल एज पैसेंजर्स जो है कोस्टलाइन का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे जो जनरली जो हमारे ट्रेड्स होते हैं जनरली रोडवेज और एयरवेज के थ्रू ही ट्रेड किए जाते हैं। जैसे कुछ मेजर ट्रेड एक्टिविटीज़ हमारे उत्तर प्रदेश में होती है वो है एग्रीकल्चर ट्रेड। उत्तर प्रदेश जो है ये एक मेजर प्रोड्यूसर है वीट का, राइस का, सुगर कैन का, पल्सेस का एंड वेजिटेबल्स का, साथ साथ क्रॉप्स का। अब इस स्टेट के लार्जर मार्केट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, जो कि आप लोकली और ट्रांसपोर्ट करते हो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। इंडस्ट्रियल ट्रेड होता है यहाँ पे वेरियस मशीन्स का, टेक्सटाइल का, लेदर, केमिकल, इन सारी चीज़ों का। जैसे कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, आगरा में फुटवेयर इंडस्ट्री है, गाजियाबाद में इंजीनियरिंग गुड्स है। वहीं बात की जाए एक्सपोर्ट ट्रेड की, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे हैंडीक्राफ्ट, लेदर गुड्स, इन सबको एक्सपोर्ट करता है टू द डिफरेंट स्टेट्स। और डोमेस्टिक ट्रेड में अगर देखा जाए तो अर्बन सेंटर्स जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे सिटीज़ में ही घूमते रहते हैं। अब इनका जो नेटवर्क होता है जनरली कैसा होता है, रोडवेज के थ्रू होता है, रेलवेज के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोस्टलाइन है नहीं। ठीक, समझ गए इस चीज़ को, बेसिक सी बात थी। अब देख लेते हैं फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। फॉरेन ट्रेड एक क्या है, डिफाइंड है, डिफाइन किया गया इसको एज अ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स। इसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें समझा रखी है। भारत में फॉरेन ट्रेड कैसा होता है, क्या होता है, समझते हैं इसे। इंडिया का जो बहुत ही पुराना हिस्ट्री है विद द अदर कंट्रीज, अगर तुम बिफोर क्राइस्ट के पीछे जाओ अगर तुम, तो 1498 में जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस हैव बीन ट्रेडिंग विद द किंग्स ऑफ इंडिया बाय ट्रेवलिंग थ्रू सीज, पानी के थ्रू, सीज समुद्र जो होती हैं, सीज होती हैं, कोस्ट लाइन्स होती हैं, इन सब के थ्रू ट्रेड करते थे। इस क्या ट्रेड होता था, बहुत सारे स्पाइसेस हो गए, पेपर, जिंजर, सिनेमन, कार्डमन, ठीक है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, लौंग वगैरह जो होता है, इन सबको ट्रेड किया जाता था। ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉपुलर उस वक्त पे हुआ करते थे और भारत से जनरली एक्सपोर्ट किए जाते थे। 1947 से लेकर 1991 के बीच में जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्लोज रही थी, बंद रही थी। उस वक्त पे हाई FDI चार्ज किया जाता था, हाई टैरिफ्स लगा दिए गए थे FDI पे, रेस्ट्रिक्ट कह सकते हो, रोक दिया गया था कि आप फॉरेन से कोई भी कंट्री या कोई भी इन्वेस्टर हमारे भारत में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जब बाद 1990 पॉलिसी की बात आई, ग्लोबलाइजेशन LPG पॉलिसी जो थी, उसके बाद ये ड्रास्टिकली चेंज हो गया और हमारे जो इकोनॉमी है बूस्ट करने लगी थी क्योंकि फॉरेन ट्रेड को ओपन कर दिया गया। अब यहाँ पे हिस्ट्री दे रखा है फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस, समझते हैं। इंडिया जो है वो मेजर ट्रेडिंग सेंटर था स्पाइसेस, टेक्सटाइल और अदर गुड्स को एक्सपोर्ट करने में। एंशियंट पीरियड के दौरान जो है इंडिया ने एक्सटेंसिव ट्रेड लिंक रोमन एम्पायर के साथ बनाया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ बनाया था और चाइना के साथ बनाया था। द पोर्ट सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जैसे कैलीकट, सूरत, बॉम्बे, ये इनको मेजर ट्रेडिंग सेंटर माना गया। जितने भी चीज़ें होती थी यहीं से ट्रेड हुआ करती थी, ठीक है। वहीं पे ईस्ट कोस्ट इंडिया के, ईस्ट इंडिया के जो ईस्ट कोस्ट थे, जैसे कि कह सकते हो वहाँ से क्या क्या चीज़ें, टेक्सटाइल और राइस एक्सपोर्ट की जाती थी। यूरोपियन पावर्स के आने के बाद, भारत में यूरोपियन पावर्स के आने के बाद उनका कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा। डच, फ्रेंच हो गए, इन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग पोर्ट्स हो गए, पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर्ट होगा, ट्रेडिंग पोर्ट्स हो गए और फैक्ट्रीज जो हो गए उन सबको इंगेज किया। जो भी इंगेज थे ट्रेडिंग, किस चीज़ को ट्रेड करने में, स्पाइसेस, अदर गुड्स, टेक्सटाइल, इन सबको इंगेज कर दिया गया उन सारे इंडस्ट्रीज़ में। ब्रिटिश इंडिया कब आई इंडिया में, ब्रिटिश कंपनी कब आई इंडिया में, अर्ली 17th सेंचुरी में, और उन्होंने भारत की इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया। द कंपनी एस्टैब्लिश अ कंट्रोल्ड मोनोपोली या फिर कंप्लीट मोनोपोली ओवर द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, और उन्होंने भारत के एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर लिया। जो रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन्स होते थे, सिल्क, इंडिगो होते थे एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स, इन सब पे कंट्रोल उन्होंने जमा लिया। कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो इम्बैलेंस्ड हो गया क्योंकि उन्होंने टोटली कंट्रोल कर लिया, वो तो ग्रोथ ही रोकने आए थे। ट्रेड इम्बैलेंस इस सिचुएशन को नाम दिया गया था, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हो और फिनिश गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो,
इस ट्रेड इम्बैलेंस का हमारे इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्टर्स ये फॉरेनर्स क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे सस्ते दाम पे, और वहाँ से फिनिश गुड्स बना के भारत में कचरे की तरह डाल देते थे हायर प्राइस पे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुई थी। इसी सिचुएशन को ट्रेड इम्बैलेंस भी बोला गया और इसको निगेटिव इम्पैक्ट नाम दिया गया। लेकिन प्लानिंग पीरियड के दौरान हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे गया। यहाँ पे देख सकते हो प्लानिंग पीरियड इन इंडिया स्टार्टेड विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1955 एंड लास्टेड अंटिल द एंड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान 2012। ये 5 ईयर प्लान जो हम लोग इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंजेस। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ प्लानिंग इंडिया ने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को फॉलो करा था, जहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो थे उनको रेस्ट्रिक्ट किए गए थे बाय रेस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्टिंग ऑफ सर्टन गुड्स। मतलब कुछ प्रकार के प्रोडक्ट्स जो थे उसको कम से कम इम्पोर्ट किया जा रहा था दूसरे कंट्री से, और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थे उसको प्रमोट किया जा रहा था कि हम यहीं पे बनाएंगे हैंडमेड प्रोडक्ट्स, मेक इन इंडिया, ये सब जो सुनते हो ना जस्ट उसी से मिलता जुलता। द पॉलिसी इज वॉज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट डेवलपिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या एजम्पशन रखा गया कि अगर हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट पे वो कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। हाउएवर इन द 1990s इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। उसके बाद इंडिया ने अपने इकोनॉमी को खोल दिया जहाँ पे फॉरेन ट्रेडर्स आके इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। क्यों ओपन किया गया था? क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना था। प्लानिंग पीरियड के अगर दौरान देखोगे तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो कुछ इस प्रकार से बढ़ा। इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो थी वो 0.6 बिलियन से बढ़ के कहाँ चली गई, $313 बिलियन तक। फिर उसी प्रकार से इम्पोर्ट जो है वो $1.1 बिलियन से होकर कहाँ पे गया, $489 बिलियन पे गया। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था इसका कहीं ना कहीं निगेटिव था अर्ली ईयर्स में, स्टार्टिंग के दौरान में ये अर्ली ईयर्स में निगेटिव था, फिर उसके बाद 2000s में जाकर ये पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो गया। इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स थे जैसे US हो गए, चाइना हो गए, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स हो गए, सऊदी अरेबिया, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे क्या थे, मेजर पार्टनर्स थे। जनरली इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था इनके साथ, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, जेम्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। वहीं क्रूड ऑयल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन सबको, गोल्ड, पर्ल्स, इन सबको इम्पोर्ट करता था हमारा भारत। अब ये जो टेबल है यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शो कर रहा है, चाहो तो इसे आप देख सकते हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोजिशन दे रखा है एक्सपोर्ट का, किसका किसका कंपोजिशन, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, दोनों का कंपोजिशन दे रखा, ठीक है। इसको एक बार तुम लोग पढ़ लेना, ये तीन टॉपिक को, ट्रेंड ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। होमवर्क मैं दूंगा ही, क्योंकि यार देखो नोट्स अल्टीमेटली तुम्हें रीड करने ही होंगे। तो इन तीन टॉपिक को, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट एंड ये क्या बताया मैंने तुम्हें, ट्रेंड्स ऑफ FDI इन इंडिया। बेसिक है, FDI नहीं भी पढ़ोगे ये चलेगा, लेकिन इतना जो मैंने बताया उसे पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें क्या करवाऊंगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसका उद्देश्य क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर क्या है, कौन कौन है बेसिकली, उसको देखेंगे। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड पर जाएंगे, धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, 5-6 वीडियो में ये हमारा जो चैप्टर है ये टोटली कवर अप हो जाएगा। सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।